चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कर्ल्स मशीन के हेल्प से कर्ल्स नहीं बल्कि वेव कैसे डिजाइन करना है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वेव्स आपको टोंग मशीन के हेल्प से किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने लिया है एक सेक्शन, और सेक्शन लेने के बाद आपको करना है पूरे सेक्शन में हार्ड स्प्रे। हार्ड स्प्रे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सेक्शन हमारा हार्ड हो जाए, क्लीन हो जाए, इनकेस ब्रेकेज हेयर अगर है तो वो भी सेक्शन के साथ फिक्स हो जाए। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे टोंग मशीन के हेल्प से वेव। अच्छा, आप यहाँ पे कोई भी साइज यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल वेव चाहिए तो आप स्मॉल साइज की टोंग मशीन यूज करो, अगर आपको बिगर टोंग चाहिए, बिगर वेव चाहिए, देन आप लार्जर साइज की टोंग मशीन यूज करो। सो यहां पे हम सेक्शन को ड्राई करने के बाद इस तरह से मशीन की जो क्लिप होती है, इस तरह से ये क्लिप को इस तरह से उठाना है। उठाने के बाद आपको जस्ट लाइक ऊपर की हेल्प से आपको एक ऊपर से टर्न देना है, ऊपर की क्लिप से। इसके बाद जब ऊपर का टर्न हो जाएगा, उसके बाद मशीन को निकालकर नीचे की साइड से टर्न देंगे ताकि हम इजीली एक सॉफ्ट वेव क्रिएट कर पाए। सो यहां पे हमने ऊपर का वेव क्रिएट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यही मशीन को आपको उल्टा करना है, एंड जो क्लिप है वो नीचे की साइड रख के सेक्शन को अगेन होल्ड करना है, एंड आपको डाउन वेव क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मेरा डाउन वेव भी कंप्लीट हो चुका है। अगेन मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगी, अप वेव, बस यही प्रोसीजर को हम कंटिन्यू करेंगे और वेव क्रिएट करते जाएंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सी आप देख सकते हैं कि समुद्र की लहरें की तरह यहाँ पे हमारा वेव क्रिएट हो रहा है। एंड यस गाइज, वेव्स एंड कर्ल्स दोनों अलग चीज है। जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं उसके वेव बोलते हैं, एंड टोंग मशीन के हेल्प से जो आप टर्न लगाकर करते हैं उसे हम कर्ल्स बोलते हैं। सो गाइज, ये है प्रोसीजर, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। एंड इसके बाद जैसे ही आपका इस तरह से वेव बन जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे करना है, जैसे ही आपका इस तरह से वेव्स बन जाता है, इसके बाद आपको करना है यहाँ पे शाइन स्प्रे। एंड शाइन स्प्रे करने के बाद फोकोम या फिर जिकोम की हेल्प से आप इस वेव को ओपन कर सकते हैं। सी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग वेव कम्प हो चुका है। एंड यस, ये वेव आप अगर किसी के पतले हेयर है या फिर थिन ग्रोथ है, आपको लग रहा है कि वॉल्यूम की नीड है, उस हेयर पे आप ये वेव्स देकर अपने हेयर का वॉल्यूम गेन कर सकते हैं, अपने हेयर का वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। सो जरूर से ट्राई। एंड ये टेक्निक आपको कैसे लगे मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना।